नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज़ NCR। आज हम मौजूद हैं वर्ल्ड स्ट्रीट ओमैक्स में, जहां पर हमारे पीछे देख सकते हैं आप पुलिस तैनात है और मुस्तैदी से ये लोगों के चालान काट रही है। और जबकि देखा जा रहा है कि पिछले लगातार 4-5 दिनों से पुलिस यहां पर मुस्तैद खड़ी हुई है, अपनी ड्यूटी निभा रही है और लोगों को शिक्षा दे रही है, शिक्षाप्रद बातें कर रही है और उन्हें समझा रही है कि पुलिस उनकी मित्र है, पुलिस से डरे ना और आगे उनका सहयोग कर उनके साथ आगे आएँ, मास्क को लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करें और कोरोना का ग्राफ क्योंकि फरीदाबाद में तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। तो आज हमारे साथ थाना प्रभारी, थाना के SHO हैं राजेश जी। राजेश जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पर इतने समय से, 5-7 दिन से मैं देख रहा हूँ आप तत्पर हैं, तो क्या कारण है और किस वजह से यहाँ पर लोगों के चालान काटे जा रहे हैं? तो कोरोना बीमारी है, ये डे बाई डे इंक्रीज हो रही है जी, इससे लोगों के बचाव के लिए इस प्रकार के जागरूक भी किया जा रहा है, जागरूकता के साथ साथ मास्क के चालान भी किए जा रहे हैं जी। और लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए तरह तरह के हम नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं और उनको एक किस्म से अलग से जागरूक हर नियम और कायदे कानून बताए जा रहे हैं जी। सर, आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर? आप इतने समय से, 4-5 दिनों से आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि लोग कॉपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपको क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं इन्हें समझाने के लिए? जो पढ़े लिखे हैं इस बीमारी को जानते हैं, इसका निर्णय जानते हैं कि इसका नतीजा क्या है, वे लोग इनके परिणाम को जानते हुए इन नियमों की पालना भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हुए भी लापरवाही कर रहे हैं, उनका हम चालान कर रहे हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पर राजेश जी थे और जो तत्पर होकर लोगों के चालान काट रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि कोरोना एक महामारी है जो अभी खत्म नहीं हुई है, जो देश से अभी निकली नहीं है, तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करिए, कृपया अपने लिए, बीमारी के लिए नहीं, अपने लिए मास्क लगाएं जिससे कि आप प्रोटेक्टेड रहें और साफ और स्वच्छ रह सकें। धन्यवाद।